माय नेम इज शान मसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टोलॉजी चैनल। सो गाइस, यस, मैं थोड़े टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था बिकॉज वो मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा था, जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही थी अपने बेसिस पे, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर थी और मैं मोस्टली बाय साइड की तरफ फोकस करता हूँ, सेल साइड की तरफ ज़्यादा मेरे होते नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी स्टॉक्स एट दैट टाइम। बट मुझे लगता है कि मार्केट अपने इस सिचुएशन में आ चुकी है कि हम लोगों को दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा और आप लोगों को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें मार्केट में वर्क करना है। सो चलते हैं, आज निफ्टी बैंक निफ्टी की थोड़ी डेप्थ एनालिसिस करेंगे। जो 23rd ऑफ दिसंबर को मंथली एक्सपायरी है उस पर क्या करना है, ईयरली एक्सपायरी अगर हम बात करें तो क्या करना है एंड किस तरीके से अप्रोच लेकर चलनी है। सो आज आपको कोई इंट्राडे स्टॉक्स नहीं दिए जाएंगे, बट ऐसे 3 स्विंग ट्रेड्स दिए जाएंगे, अगर वो ब्रेकआउट करते हैं तो हम उन पर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म के लिए। इसके अलावा कल से टेलीग्राम पे मैं कुछ पोल्स स्टार्ट करने वाला हूँ एंड वहाँ पर मैं खुद पर्सनली एक अकाउंट ज़ीरोधा के अंदर मैं 30,000 रुपीज़ डिपॉजिट करूँगा, एक नया अकाउंट होगा जिसके अंदर 30,000 रुपीज़ होंगे एंड उस 30,000 रुपीज़ में मैं कौन से ट्रेड्स लेता हूँ एग्जैक्टली, वो ट्रेड्स की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे मैं ऑर्डर को एग्जीक्यूट करूँ। अगर आप ऐसी कोई चीज़ चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोगों को इससे लगता है कि कुछ फ़ायदा मिल सकता है, आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली अगर मैंने 3 स्टॉक बाय करेंगे तो वो उस अमाउंट में डिवाइड हो जाएगा। सो अगर आपको लगता है कि इस चीज़ से आपका फायदा हो सकता है तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और देखते हैं कि कल मंडे को किस तरीके से ओपनिंग होगी एंड उसके बाद कैसे कंटिन्यू करना है और टेलीग्राम के अंदर आप किस तरीके से अप्रोच लेकर चलने हैं। तो गाइस, हम लोग अपने टर्मिनल पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस ग्रेट्स टेक्नोलॉजी, ये हमने वीकली चार्ट ओपन करा हुआ है, अभी ब्रेकआउट आया नहीं है बट अपने एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे खड़ा है जहां पर हम लोगों ने पास्ट फ्यू मंथ्स में बहुत बार से ट्राई करा है अपने उस लेवल पे आने के लिए बट ब्रेकआउट नहीं दे पाया। अब आप चेक करेंगे तो आप सबसे पहले फोकस करेगा ऑन अ ट्रेंड लाइन, तो हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस से ट्रेंड लाइन बना रखी है जिसका नाम वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट आ चुका है, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, और हम लोग बेसिकली क्लोजिंग बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हम लोगों ने जो ड्रॉ करी है दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप देखेंगे तो मल्टीपल यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने को मिलते थे, हमेशा फॉल्स ब्रेकआउट्स इधर होते थे बट फाइनली एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ रीटेस्ट एंड इट गेव अ ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन आया था 2018 में एंड 2018 के बाद से कंटिन्यू इसी के नीचे काम कर रहा है। अब ये जो लेवल है दैट लेवल इज 100 रुपीज का, 101 रुपीज के आसपास ये काम कर रहा है, एक अच्छी खासी इंपल्स मूव दी, एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ कन्फर्मेशन पैटर्न बनाया जो भी अभी अच्छे से बना नहीं है और इसका ब्रेकआउट देने की ट्राई कर रहा है। बट अगर हम लोग चेक करें कल अगर इसके ऊपर एक गैप अप आता है और ये 101 के ऊपर निकलता है या फिर ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस 101 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी जो इसने क्लोजिंग दी थी इस लेवल पे वो इसने लास्ट मई में दी थी एंड उसके बाद हम लोगों ने जैसी वीकली क्लोजिंग अगली हुई वहां पर हम लोगों ने गैप डाउन ओपनिंग देखी। सो अगर कल इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली एक अच्छी मोमेंटम ये स्टॉक दिखा सकता है, तो हम कम क्वांटिटीज के साथ बाय कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी जर्नी की तो इसकी जर्नी कहाँ तक हो सकती है, सो अगर हम इसके लिए सबसे पहले एक स्विंग हाई ढूंढे प्रीवियस स्विंग हाई, सो मेरे हिसाब से ये स्विंग हाई है, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग टेस्ट करें सो आर टारगेट शुड बी अराउंड 127 रुपीज का, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ दैट टारगेट एज वेल, 127 रुपीज का टारगेट आ रहा है। बट अगर इसके अलावा हम लोग इसके अकॉर्डिंग टारगेट्स ढूंढे हैं फिबोनाची एक्सटेंशन के, सो दिस इज आर स्विंग अप मूव एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर टारगेट शुड बी अराउंड दिस लेवल जो कि 140 रुपीज का निकल के आ रहा है। सो अगर हम लोग 105 पे भी बाय करते हैं ना तो भी हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए। सो प्लीज बी पेशेंस गाइड, 100 रुपए पे ही तुरंत कल उठते बाय मत कर लेना, पहले हमें अपॉर्चुनिटी चेक करनी है, इसका एक दिन का क्लोजिंग क्या चल रहा है, किस तरीके से सस्टेन कर रहा है 100 रुपीज के ऊपर, तभी हम लोग बाय करेंगे, वरना ये यहाँ से दोबारा नीचे आ सकता है 75 रुपीज के लेवल पे और फिर आप लोग अपने स्टॉक को लेकर बैठे रहोगे। सो इस चीज को याद रखना, ठीक है। कल मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे ही मुझे इस पर एक ब्रेकआउट दिखेगा, मैं जैसे ही पर्सनली बाय करूंगा आपको खुद नोटिफिकेशन आ जाएगा। बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। सो गाइस, मेरा दूसरा स्टॉक है गैलेक्सी सर्फोगेंट। सर्फोगेंट अगर आप स्टॉक को देखोगे तो सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम ओपन है और वीकली टाइम फ्रेम ये बहुत अच्छे अप ट्रेंड के अंदर है, बहुत अच्छा इसका कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड, हायर राइज इन हायर लोस चल रहा है ना वीकली बेसिस। अब अगर हम लोग चेक करें तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5,
तो मतलब जो वेव थ्योरी अगर हम लोग बात करें डाउ उसकी डाउ थ्योरी की, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से बिल्कुल सही बैठ रहा है और यहाँ पर हम लोग अच्छे लेवल से बाई कर सकते हैं। इसका जो ट्रेंड है वो एग्जैक्टली ट्रेंड कंटिन्यू लग रहा है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो जो थर्ड रैली होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी रैली होती है, उसके बाद एक छोटा सा ड्रॉप आता है, वो वाला जो ड्रॉप होता है और ये वाला ड्रॉप होता है बिल्कुल सिमिलर होता है, मतलब छोटा सा माइनर फ्रैक्शन होता है और उसके अलावा बिल्कुल सिमिलर बनता है। तो कैसे इसको टेस्ट करा जाता है, हम लोग अपना फिबोनाची लेते हैं, दिस इज अ बॉटम, दिस इज अ टॉप, ऑलमोस्ट 38 और 50 के बीच में आया, मतलब 50 की 38 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी और उसके बाद आके कंटिन्यू रैली भी, ठीक है। सो फॉर हिसाब से हमारा ये बॉटम है और ये हमारा टॉप है। एग्जैक्टली आप देख रहे हैं 38 और 50 के नीचे है, बट 38 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है और उसके ऊपर से कंटिन्यू रैली कर रहा है। सो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मैं एक बाय ट्रेड लेना जरूर पसंद करूंगा फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और ये स्टॉक मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अगर मार्केट नीचे गिरती है तो ऐसे एक दो स्टॉक्स हैं जो मुझे मेरे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये दो स्टॉक्स हैं। इसके अलावा एक स्टॉक और है जो मैं आपको बताऊंगा। सो अभी करेंट प्राइस इसका 2980 रुपीज का है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, लेट मी शो यू, ये आप देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, इसके ऊपर हमारे लिए बाय सेटअप जनरेट हो जाएगा, बट मैं बाय करूंगा नहीं बिकॉज आई हैव टू बिट कॉशियस, और मैं इसके ऊपर बाय करूंगा जो कि 3030 के ऊपर होगा। अगर 3030 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज करती है तो मेरे हिसाब से एक बाय सेटअप बन जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं, आप इसके पीछे का लॉजिक समझ सकते होंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन पे भी आपने देखा होगा कि इसका एक हाई बना था, वीकली हाई भी एग्जैक्टली यही लेवल है। तो मेरे हिसाब से जैसे इसका डेली बेसिस पे क्लोजिंग होती है, वी कैन बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक, वहां से कम 200 से 300 पॉइंट्स की एक रैली आने वाले टाइम पे दे सकता है। स्टॉक का नाम है गैलेक्सी सर्फैक्टेंट। बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। सो गाइस हमारा लास्ट स्टॉक है ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा में भी मैंने अभी डेफिनेटली वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है, तो बट इसका कोई ज्यादा चार्ट स्ट्रक्चर नहीं है जिसके बेसिस पे हम अपनी एक स्टडी कर पाए, बट कोई भी लेमन पर्सन इसको बता सकता है कि एक सिंपल अप ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है। अब इस पे मैंने RSI ओपन करा हुआ है, अगर आप RSI चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं RSI हमेशा 50 के ऊपर रहता है, अपने मिड जोन के 50 के ऊपर ही हमेशा RSI वर्क करता है। बट ये रिसेंट पे जो फॉल दिख रहे हैं ना, वीकली कैंडल की जो क्लोजिंग का फॉल आया था, इस पे RSI 50 के नीचे गया था एंड उसके बाद दोबारा रिवर्स करके ऊपर गया और वहां पर सस्टेन कर रहा है, कम से कम 4 से 5 हफ्ते इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आप क्लियरली आपको एक चीज पता है कि एक अप ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने RSI इस पे क्यों दिखाया, सो लेट मी शो यू समथिंग। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, चार्ट स्ट्रक्चर को अभी के लिए हम लोग भूल जाते हैं, सिर्फ RSI पे फोकस करते हैं, ठीक है। सो RSI के लिए मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पर एक लाइन, आप यहां पर देख सकते हैं मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। होता क्या है जनरली, अभी रिसेंट टर्म्स में क्या हुआ था, जब भी RSI ब्रेक करता है 50 को, उसके बाद हम लोग देखते हैं RSI 50 के ऊपर जाता है, थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट देता है, मतलब RSI 50 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, नीचे आता है, अगेन ऊपर ट्राई करता है, कोशिश करता है, नीचे आता है, मतलब 1-2-3 बार ट्राई करता है। 3 बार ट्राई करने के बाद हम लोग एक अच्छी मूवमेंट देखते हैं और वो कंटिन्यूस बेसिस पे जब तक RSI 50 के ऊपर रहता है, हम ऊपर की बात नहीं कर रहे, वो कितनी ऊपर जाता है, 77, 80, 90, जहां तक उसे जाने जाने दो, हमें सिर्फ अपने बेस की बात करनी है, हमें किस लेवल पे उसको उठाना चाहिए स्टॉक को। आप देखेंगे जब भी RSI 50 के ऊपर रहता है और सस्टेन करता है, इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एक रैली कंटिन्यू रहती है। जैसे ही RSI 50 के नीचे जाना स्टार्ट करा, पहली बार इसने RSI 50 के नीचे यहाँ पर ब्रेक करा और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक छोटा सा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब RSI ने करा क्या है, एक बार ऊपर ब्रेकआउट, नीचे आ गया, दूसरी बार ब्रेकआउट, नीचे आ गया, तीसरी बार ब्रेकआउट, नीचे आ गया, अब फाइनली वहां पर ये पॉज ले रहा है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब यहां पर ये एक बेस क्रिएट कर रहा है, अब एक सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर बाय पोजिशन बनानी चाहिए। मुझे लगता है अगर ये RSI के ऊपर और थोड़े टाइम सस्टेन कर गया तो एक दोबारा ट्रेंड कंटिन्यू होने को मिल सकता है। अब देखिए हर चीज पैटर्न्स के ऊपर, हर चीज उसके ऊपर नहीं है, हमें अगर पता चल रहा है कि एक एनालिसिस, एक इंडिकेटर हमें बैक टेस्ट के थ्रू बता रहा है कि ये चीज पॉसिबल हो सकती है, तो यस वी कैन बिलीव दैट, हम क्वांटिटीज कम कर सकते हैं बट उस पर एक एक्सपेरिमेंट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल है और अगर ऐसा हो सकता है जिस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली वी कैन अर्न सम मनी, और अगर हमें उस चीज से पैसा मिल रहा है तो हमें उस ट्रेड को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अब एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस पे देखेंगे तो एक डेफिनेटली एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हमें लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सिंपल ये इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। अब स्टॉक के बिहेवियर को समझना, एक
देखने पूरे टाइम हम लोग यहाँ पर सिर्फ कंसोलिडेशन ही कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ कंसोलिडेशन के बेसिस पे काम कर रहा है, छोटी छोटी कैंडल्स, बड़ी कैंडल्स, बड़ी अपमू, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो लास्ट फ्राइडे में भी एक बहुत ज्यादा डाउनफॉल कर रहा था बट दोबारा रिकवर कर गया था, ठीक है, मार्केट रिकवर नहीं करी थी बट ये रिकवर कर रहा था बहुत तेजी से। उसके बाद दोबारा हम लोगों ने देखा था एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आया था, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली मार्केट ने कुछ स्टॉक ने ज्यादा फॉल नहीं किया, तो ये एक रेंज बाउंड के अंदर है। ये नीचे जाना नहीं चाह रहा बट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर हम लोग एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से इसको एक बार 3700 के ऊपर निकलने दो, जैसे ही 3700 के ऊपर एक क्लोजिंग देखने को मिलती है डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ बाय, ठीक है। तो ये कुछ हमारे 3 स्टॉक्स थे जो डेफिनेटली हम लोग इन फ्यूचर बाय कर सकते हैं और ये हमारे पोर्टफोलियो को शायद सेफ कर सकते हैं। सो बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, किस तरीके से काम करना है, क्या ये बेस बन चुका है, यहां से एक बाइक आ सकती है क्या, दोबारा सेल ऑफ आ सकता है। तो आज मैं 2 पर्सपेक्टिव लेकर चलूंगा, मैं जनरली नहीं लेकर चलता बट आज लेकर चलने वाला हूं क्योंकि ये मार्केट कुछ इस लेवल पे है, यहां से एक रिवर्सल देके टर्न अराउंड आ सकता है या फिर कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन कर दिया है, निफ्टी के चार्ट पे हम लोग अब क्लियरली एक बार स्टडी करते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत पर्सपेक्टिव को लेकर चलेंगे ना, उससे ना हम लोगों को पता चल जाएगा कि यार थ्योरी किस तरफ से काम कर रही है। अभी रिसेंटली दिसंबर है जिसकी एक्सपायरी होने वाली है, एंड अगर हम लोग पास्ट दिसंबर की बात करें तो हम लोगों ने हमेशा देखा है कि ना जनवरी में एक अच्छी खासी अपमूव आती है और दिसंबर के मिड में एक अच्छी खासी अपमूव स्टार्ट होती है। मिड की अगर मैं बात करूँ तो 22-23 दिसंबर से एक अपमूव आना स्टार्ट होती है, ठीक है। अब जनरली होता क्या है, हम लोग देखते हैं कि फेब में 1 फेब के आसपास हम लोगों को एक बजट देखने को मिलता है और 22 जनवरी से, मतलब अगर हम बात करें तो 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक एक अच्छी खासी अपमूव हम लोगों को देखने को मिलती है, एक ट्रेंड होता है। उसके बाद वो ट्रेंड खलखल के कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि बजट आता है, बजट के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज आती है, हर सेक्टर के लिए आती है, तो हर कोई सेक्टर एक एक दिन बहुत अच्छी अच्छी अपमूव करता है, तो हमारे मार्केट स्टेबल रहती है। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा, जब भी बजट आता है उससे एक महीना पहले मार्केट एक अच्छे खासे बुल रन के अंदर होती है। अब अगर हम लोग देखें तो अभी रिसेंटली 20 दिसंबर कल हो जाएगी एंड 23 दिसंबर को एक्सपायरी है। मैंने अभी आपसे कहा कि 23 दिसंबर के आसपास भी वो चीज स्टार्ट होती है। सो हो सकता है कि 23 दिसंबर तक मार्केट कंसोलिडेट करे, उसके बाद हम लोग एक क्लियर अप ट्रेंड देखने को मिले, वो भी 20 जनवरी तक कंटिन्यू रह सकता है। उसके बाद हम लोग फिर दोबारा एक सेल ऑफ देख सकते हैं अगर बजट के अंदर कुछ ऐसा आता है जो कि जनरली आता ही आता है, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम लोग एक चीज को वर्क करके चल सकते हैं। आप एक बार एनालिसिस के ऊपर ध्यान देते हैं। एनालिसिस पे देखिए, कभी भी बड़ी कैंडल्स के ऊपर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अब ये सेल ऑफ का रीजन है, मैं आपको बताऊंगा क्या है। सबसे पहले अगर आप लोग अपनी एनालिसिस करें तो ये बेसिकली एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रही है और एक सेल ऑफ आ रहा है। देखिए ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम तो हम लोगों को क्लियर पता है एक डाउन ट्रेंड है, तो हमें सेल ऑन राइज करना है, ठीक है। अगर हम लोग एक मेजर ट्रेंड की बात करें तो ऑन अ मेजर ट्रेंड मार्केट इज वेरी बुलिश, मार्केट इज वेरी बुलिश। पास्ट में भी ऐसा हुआ था, मार्केट बुलिश थी, मार्केट ने क्या करा था, लोअर लो लोअर हाइस, ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस लोअर लोज लोअर हाइस फॉर्म करा बट फाइनली जाके एक ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। और ये चीज चली थी फेब 2016 से लेके मई 2016 तक, सो ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने तक ये रैली चली थी, उसके बाद जाके इसने ब्रेकआउट दिया था, सस्टेन। सो ऑन अ मेजर ट्रेंड हम लोग अभी भी बुलिश हैं बट ऑन अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी हम लोग थोड़े से बियरिश हैं। सो हमें करना क्या है, हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज है, या तो हम लोग ऐसा करके एक बेस पकड़ लें और हम लोग बाय कर लें, या फिर हम लोग पहले इस ट्रेंड लाइन का, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का इंतजार करें एंड फिर जाके बाय करें। हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लोगों को मेजर ट्रेंड को फॉलो करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं या फिर यहाँ का ही बॉटम पकड़ सकते हैं। अब अभी एग्जैक्टली बॉटम पे है तो क्या यही बॉटम है, हमें ये भी फाइट करना है। सो पीछे दोबारा चलते हैं, पीछे हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी, ठीक है। आप खुद बताना, अगर आप लोगों को सिंपल टेक्निकल थोड़ा सा भी आता है खुद बता सकते हैं। एक फॉल आया, एक अपमूव आया, एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ फॉल आया, अपने प्रीवियस लोस को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग करी है, ये एक डाउन ट्रेंड है कि नहीं है, क्या यहां से नीचे जाएगी, नहीं जाएगी। अगले दिन क्या हुआ, गैप अप हुई, ऊपर स्टॉक जाना स्टार्ट, दोबारा नीचे आओ, दोबारा नीचे आओ, दोबारा नीचे आओ, यहां तक ये पॉज लेते रहा, देखते रहना, ये यहां तक पॉज लेते रहा, इसके नीचे गया बट क्लोजिंग ऊपर देखने को मिल गई, बट फाइनली जाके इसने ब्रेक डाउन दे दिया,
बट अगले दिन गैप अप आया और ऊपर चला गया, ठीक है इसको फिर हटा देते हैं। दोबारा नीचे आया, ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया, एक हेवी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर एक बियरिश कैंडल बनी और फिर नीचे गया एंड फिर ऊपर गया। अब आप पॉइंट समझ रहे हैं, जितनी बड़ी कैंडल्स बन रही है उतनी जल्दी हम लोग एक दो तीन दिन के अंदर रिवर्सल देख रहे हैं, ठीक है फिर हम रिवर्सल देख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग मान के चले तो यहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन हुई थी, एक बड़ी कैंडल बनी थी, एक गैप अप हुआ और ऊपर तीन दिन गया चार दिन गया, उसके बाद एक दोबारा फॉल आया। तो हो सकता है कि ये यहाँ पर भी एक कल बियरिश कैंडल बना दे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल इसके नीचे एक बियरिश कैंडल बना दे, कल उसके बाद परसों के ट्रेडिंग सेशन में एक गैप अप ओपनिंग हो, वो सस्टेन करे मतलब एक इनसाइड कैंडल बनाए और हल्के हल्के फिर 23rd के ऊपर से एक रैली आना स्टार्ट हो और वो बेस बन सकता है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि कल इसके नीचे ना जाए, एक इनसाइड कैंडल बनाए, इनसाइड कैंडल बनाए मतलब रुके रहे अंदर ही पॉज रहे और उसके बाद जाके हल्के हल्के अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पर बाय बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी RSI भी साथ दे रहा है। आप देखेंगे ये एक लो था, RSI का ये लो है, RSI अभी रिसेंटली फिर ये लो बना, एक लो जो अप ट्रेंड के ऊपर शिफ्ट हो रहे, एक हायर लो बन रहा है, RSI भी उसको फॉलो कर रहा है। मतलब अगर एक एक्चुअल में बियरिश साइन होता यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद तो RSI इस लेवल के नीचे चले जा चुका होता, 34-35 के नीचे चले जा चुका होता और हम लोग यहाँ पर एक सेल ऑफ की तैयारी कर रहे होते। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है, आज RSI भी स्टेबल है, हल्के हल्के नीचे जा रहा है, तो मेरे हिसाब से एक छोटा सा टर्न अराउंड हमें भी देखने को मिल सकता है। अब जरूरी नहीं है वो टर्न अराउंड कल के ट्रेडिंग सेशन में आएगा, हो सकता है एक फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देने के बाद अगले दिन से एक टर्न अराउंड आए या फिर कंटिन्यू भी कर सकती है, बट कंटिन्यू नीचे करने के जो चांसेस अभी मुझे लग रहे हैं वो बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं, ठीक है। सो मेरे हिसाब से अभी हम लोग पेशेंसली वेट करेंगे। इसके अलावा ये रहा मेरा बॉटम, ये रहा मेरा टॉप, RSI के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है। सो देयर इज अ चांस कि अगर कल ब्रेकडाउन आता है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाना स्टार्ट करता है तो देयर इज अ टारगेट जहां पर ये पॉज ले सकता है, वो है 61% लेवल जो कि आ रहा है 16,700 रुपीज का, 16,700 पे जाके रुक सकता है और यहां पर हम और अच्छे से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। सो कल हम लोगों को करना क्या है, अगर ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस नीचे जाता है तो ट्रेड कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ दिस, या फिर पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, या फिर अगर कल ये इनसाइड कैंडल बना रहा है तो हमें ट्रेड नहीं करना, मतलब बेसिकली कल बाय साइड में ट्रेड नहीं करना, शॉर्ट साइड में ट्रेड कर सकते हैं बट हम लोग जल्दी उसको प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे शॉर्ट साइड को, ठीक है। हमें पता है कि शॉर्ट साइड 2-3 दिन मैक्स रह सकता है, उसके बाद एक बाइंग आना स्टार्ट हो सकती है अकॉर्डिंग टू आर डाटा, अकॉर्डिंग टू पास्ट, अकॉर्डिंग टू बैक टेस्ट और जिसके बेसिस पे मार्केट काम कर रही है, ठीक है। एक बार बैंक निफ्टी को समझते हैं। सो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया एंड यहाँ पर क्लियरली छोटा सा अकॉर्डिंग टू निफ्टी ना माइनर वीकनेस मुझे देखने को मिल रही है। लेट मी शो यू। सबसे पहले हुआ क्या, एक फॉल आया, ऊपर गया, पुल बैक दिया, अगेन एक फॉल आया, अगेन पुल बैक दिया, अगेन फॉल आया। अब आपको याद होगा इस कैंडल, ये जो कैंडल बन रही थी ये वाली कैंडल, तो दोपहर के 3 बजे मैंने आप लोगों को वॉइस मैसेज भेजा था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि मुझे वीक लग रहा है, अगर ये 36,550 के आसपास अगर क्लोजिंग दे रहा होगा तो डेफिनेटली हम लोग पुट्स लेकर चल सकते हैं और उसके बाद हम लोगों को एक हैवी ब्रेकडाउन देखने को मिला था और मैंने उस टाइम बोला था कोई स्टॉक लेकर मत चलना, ठीक है। अब हुआ क्या, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था एक चैनल का ब्रेकडाउन आया था, उसके बेसिस पे हम लोगों ने बड़ा सा फॉल देखने को मिला था। दोबारा मैं कह रहा हूँ RSI को चेक करो, प्रीवियस ये जो क्लोजिंग है, प्रीवियस जो स्विंग लो था वो ये था, अब जो स्विंग लो है वो ये है, मतलब एक लोअर लो क्रिएट हुआ बट ऑन RSI बेसिस लोअर लो नहीं बना, RSI में लोअर लो नहीं बना, RSI एक पॉजिटिव चीज में है, ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस हायर लो एंड हायर हाई कंटिन्यूस बेसिस पे फॉर्म कर रही है। सो फॉर माई परस्पेक्टिव सेम चीज हो रही है जो पास्ट में निफ्टी में देखने को मिली थी कि हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड ना लेकर चल के एक बाय ट्रेड लेकर चल सकते। हो सकता है कि अब यहां से कल एक गैप डाउन देखने को मिले और वो गैप डाउन जब रिकवर होना स्टार्ट होगा कंटिन्यूस बेसिस तो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। रिमेंबर दैट बैंक निफ्टी की बात हो रही है, निफ्टी में जो बताया उसको फॉलो करना, उसमें गैप डाउन जैसा कुछ नहीं बताया, सिर्फ बैंक निफ्टी को फॉलो करो। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, अगर कल एक गैप डाउन होता है, स्टार्टिंग बेसिस पे खुला गैप डाउन हुआ, कंटिन्यूस बेसिस पे नीचे गया बट जैसे ही हम लोगों को आधे घंटे में एक रिकवरी साइन देखने को मिली ना, 15-15 मिनट की दो कैंडल में एक रिकवरी आ रही है, उस टाइम हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। अगर बैंक निफ्टी नीचे खुल रहा होगा तो निफ्टी मेरे हिसाब से स्टेबल या थोड़ा सा नीचे खुल रहा होगा, बट निफ्टी में अब आपको पता है कि आपको करना क्या।
सो बैंक निफ्टी में अगर कल बड़ा गैप डाउन खुल रहा होगा तो हमें एक मौका ढूंढना बाय करने का, वहां पर हम लोग बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं, निफ्टी में बाय नहीं करना, वो मैंने आपको बता रखा है। दूसरी चीज, अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल पे खुलता है और कंटिन्यूस बेसिस पे नीचे जाना स्टार्ट करता है तो ट्रेड नहीं करना, तो हमें सेल के लिए ट्रेड नहीं करना, गैप डाउन पे रिकवरी के लिए ट्रेड करना है। ठीक है, हमारे हिसाब से हम बैंक निफ्टी में बाय करके चल सकते हैं बिकॉज एक फॉल्स ब्रेकडाउन था और एक रिकवरी शायद देखने को मिल सकती है, बट मेरे हिसाब से यू हैव टू बिट कॉशियस। यहां पर भी बाय करना है बट अर्ली एग्जिट करना है, निफ्टी के अंदर शॉर्ट करना है बट अर्ली एग्जिट करना है। अब आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं कि मैं किस बेसिस पे काम कर रहा हूँ। कल दोनों सिचुएशन हो सकती है, तो हम लोग शॉर्ट साइड में हम लोग निफ्टी में ट्रेड करेंगे और ना लॉन्ग साइड हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में साथ में ट्रेड लेने हैं, जहां आपको ज्यादा प्रेशर दिख रहा होगा उस तरफ आप लोग उस इंडेक्स के अंदर ट्रेड लेकर काम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ओपन इंटरेस्ट का डाटा दिखा देता हूं तो और ज्यादा क्लैरिटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट के डाटा की तरफ चलते हैं एक बार। सो मैंने अभी निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट ओपन करा हुआ है और ये है 17th ऑफ दिसंबर का ओपन इंटरेस्ट। लेट मी शो यू। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो हाईएस्ट पुट राइटिंग देखने को मिल रही है 17,000 पे। ठीक है, हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 17,200, 100 और 17,000, मतलब रिस्पेक्टिवली अगर मैं बात करूं तो 17,000 से 17,200 से 300 तक हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव है। तो मतलब ऊपर जाना 23rd ऑफ दिसंबर के लिए थोड़ा मुश्किल है। अब आपको याद होगा मैंने बोला एक बड़ी बियरिश कैंडल बनी है, तो छोटी छोटी तीन कैंडल बनती है ना रिवर्सल के लिए, तो वो बियरिश कैंडल तक ही पहुंच पाती है। उनकी जर्नी 3 दिन की, 1 दिन की फॉल के बराबर होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए ऊपर एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, वहां पर होना कंटिन्यूस बेसिंग सेल ऑन राइज देखने को मिल सकता है, बट वो ये नहीं है कि और ज्यादा फॉल आएगा, वो ये है कि ऊपर छोटा सा सेल ऑफ आएगा फिर नीचे बाइंग आएगी। सो मेरे हिसाब से हैवी पुट राइटर्स है 17,000 के आसपास। सो मैंने अभी आपसे एक बात बोली थी, निफ्टी के अंदर गैप डाउन नहीं, बैंक निफ्टी के अंदर गैप डाउन। अगर निफ्टी के अंदर गैप डाउन आया तो वो क्लियर शॉट होगा हमारे लिए, जो कि हम लोगों ने बात करी थी, और वो उस लेवल तक लेकर जा सकता है, इस लेवल तक लेकर जा सकता है। ठीक है, बट अगर मैं एक बड़े ट्रेंड की बात करूं तो मैं अगर हिस्टोरिकली पूरी स्ट्रक्चर को देखूं कि ओवरऑल कितना इंटरेस्ट बना है, ओवरऑल क्या चल रहा है 17 दिसंबर में, तो अगर हम देखेंगे तो पुट राइटर अभी भी सबसे ज्यादा है 17,000 में इन अकॉर्डिंग टू कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स अभी भी कम है और पुट राइटर्स अभी भी ज्यादा है। पुट राइटर्स आप देख सकते हैं अभी भी ऐड हुए तो, और कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पुट राइटर्स भी स्ट्रांग है। अगर आप देखेंगे 17,100 भी कम है अकॉर्डिंग टू पुट राइटर्स, और 17,200 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर मानने की बात करें तो मेरे हिसाब से हम लोग मान के चल सकते हैं कि 17,000 एक बेस क्रिएट करके चल सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर आ रहा है सिमिलर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब है मंथली एक्सपायरी। सो ऑन मंथली एक्सपायरी अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं टोटल पुट 40 मिलियन है एंड टोटल कॉल 33 मिलियन है। सो आप यहाँ देख सकते हैं हैवी हैवी दिसंबर एक्सपायरी के हिस्टोरिकल डाटा की मैं बात करूं तो हैवी हमें यहाँ पर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से 17,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा। इसके अलावा ऑन दिसंबर बैंक निफ्टी एक्सपायरी हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव हुए हैं 36,000 रुपीज पे। हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव हुए हैं 36,000 रुपीज पे। सो मेरे हिसाब से कल अगर गैप डाउन देखने को मिलता है या फिर एक अप ट्रेंड भी देखने को मिलता है तो हमारे हिसाब से 36,000 से लेकर 35,900 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है। बट अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें अभी भी हैवी पुट राइटर्स एक्टिव है 35,500 पे, तो यानी कि अगर कल छोटा सा फॉल आता भी 100 रुपए का भी गैप डाउन आके रिकवर करता है तो जो 100 रुपए का गैप डाउन होगा वो 35,500 रुपीज के आसपास होगा, तो वहां पर स्टेबलाइज्ड मार्केट हो सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग पास्ट पूरे डाटा को कलेक्ट करें तो अभी भी पुट राइटर सबसे ज्यादा एक्टिव है 36,000 में इन अकॉर्डिंग टू कॉल राइटर्स। सो मेरे हिसाब से हम लोग मार्केट अभी स्टेबल है, ज्यादा बड़ी फॉल नहीं आने वाली है, मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर रह सकती है इस एक्सपायरी तक, उसके बाद एक अच्छी अप मूव आ सकती है। सो एक बार मैं अगर नेक्स्ट एक्सपायरी ओपन करूँ और उसको हटा दूँ सो मेरे अकॉर्डिंगली एक बड़ी मूवमेंट तो नहीं बट एक स्टेबलाइज मूवमेंट हम लोग देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये जर्नी समझ में आएगी, सारी एनालिसिस पसंद आई होगी, इसके बेसिस पे आप लोग अपने खुद के ट्रेड्स भी लेकर चल सकते हैं। डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन कि आप लोग जो मैं 30,000 से अपनी कैपिटल स्टार्ट करने वाला हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए दिखाने के लिए कि कैसे होता है। जो मैंने आपने मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी थी, 1 घंटे का वेबिनार था,
उस पर मैंने बताया था कि 15 दिन का अगर आपको एक्सेल करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, क्या बेसिस होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे मैं आपके साथ मदद करके आप लोगों को पूरा ट्रेन करना चाहूंगा। ये सिर्फ 15 दिन का रहने वाला है और उस 15 दिन में आप लोग डेफिनेटली इतना कुछ सीख सकते हैं। जो स्टॉक्स मैं बाय करना चाहता हूँ वो भी आप बाय कर सकते हैं। ये याद रखना होना रेगुलर बेसिस कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं रेगुलरली ट्रेड नहीं करता, बट जो भी होगा आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया। इसके अलावा हमारे कुछ डिस्कशन चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो और नहीं बना पाया था, मतलब अभी रिसेंटली। तो जैसी मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ वो पूरी होती है तो आपको और बड़ा सरप्राइज भी मिलने वाला है द इन्वेस्ट ब्लॉग जी की तरफ से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।